ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। इट्स 14th of June और हम फिर से एक बार और लेकर आ चुके हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज पे चलते हैं, जहां पे न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की मीटिंग की, जो कि बिश्केक किर्गिस्तान के अंदर हुई। इस मीटिंग के अंदर बात की गई कि जो भी इन दो कंट्रीज के अंदर बाउंड्री टॉक्स हैं या बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, उनको बाइलेटरली जो है रिजॉल्व किया जाएगा। इसके बाद वुहान समिट भी जो चाइना के साथ है वो होगी। इसके बैकग्राउंड में हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे और चाइना के बीच जो हैं क्या क्या बाउंड्री इश्यूज चल रहे हैं। जो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट वन इज वेस्टर्न सेक्टर की जो बाउंड्री है, वहाँ पे डिस्प्यूट है, दैट्स अबाउट एक्साइज चेन। प्रेजेंटली एक्साइज चेन का ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये इस वक्त चाइना के पास है, बट ऑफिशियली इंडिया इसको अपना पार्ट क्लेम करता है। तो इस एक्साइज चेन को लेकर जो डिस्प्यूट्स है इंडिया और चाइना के बीच में बना रहता है। इसका ओरिजिन जो है ये 1865 से है। 1865 के अंदर जॉनसन, जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स था, उसने ये लाइन डिक्लेयर की थी, एंड ये जो इस वक्त जो प्रेजेंट जो लाइन है जिसको इंडिया अपना क्लेम करता है, इस लाइन को और ये जो एक्साइज चेन वाला पार्ट था, इसको उस वक्त जॉनसन ने कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट डिक्लेयर किया था। अर्ली 1950s तक चाइना ने इस पर बात नहीं उठाई, लेकिन लेटर ऑन चाइना ने जो है कि चाइना ऐसा कहता है कि इस हमने कोई भी जॉनसन जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, तो हम अपने पार्ट के अंदर हैं और एक्साइज चेन को वो ऑफिशियली अपना पार्ट मानते हैं। एंड ये जो उस वक्त जो जब ये जॉनसन लाइन डिक्लेयर की गई जॉनसन के द्वारा 1865 में, तब यहाँ पे जो जिनजियांग प्रोविंस है, ये इंडिया का, ये चाइना का पार्ट तब नहीं था, ठीक है। लेटर ऑन जो है चाइना का ये पार्ट डिक्लेयर हुआ। ये जॉनसन लाइन जो है ज्यूरिंग ड्योंगयांग रिवॉल्ट के दौरान जो है जॉनसन लाइन को, ये एक्साइज चेन वाले पार्ट को, कश्मीर का पार्ट जॉनसन ने डिक्लेयर किया था, महाराजा को दे दिया था। द नेक्स्ट जो इशू रहता है कश्मीर और चाइना की बाउंड्री डिस्प्यूट का, दैट इज मिडिल एरिया, ठीक है। यह जो मिडिल एरिया है अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वाला जो एरिया है, जहाँ पे जो चाइना की बॉर्डर है, इसमें जो है डिस्प्यूट अक्सर रहता है, बट बहुत कम ही डिस्प्यूट रहता है। जहाँ पे कुछ एरियाज चाइना और इंडिया ने एक्सचेंज किए थे, बट उसके बाद भी कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिलती हैं, बट इट्स नॉट मेजर इशू, ठीक है। जो इस वक्त प्रेजेंटली सबसे मेजर और बड़ा इशू है, वो दैट्स दिस ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। इसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। अब इस बाउंड्री का जो ओरिजिन है, इस इशू का जो ओरिजिन है, वो कहाँ पे है? 1914 के अंदर ब्रिटिश इंडिया ने और टेबट ने एक एकॉर्ड साइन किया, जिसको शिमला एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। उस वक्त चाइना को भी इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया, लेकिन चाइना चूंकि उस वक्त नहीं आया, तो ये जो अकार्ड साइन हुआ शिमला अकार्ड, ये टेबट और ब्रिटिश इंडिया के बीच जो है 1914 के अंदर साइन हुआ। इस अकार्ड के अकॉर्डिंगली जो अरुणाचल प्रदेश था, वो इंडिया का ऑफिशियल पार्ट हो गया। अब इंडिपेंडेंस के बाद चाइना ने चूंकि जो है टेबट को जो है टेक ओवर कर लिया, तो चाइना का अब ऐसा क्लेम करता है कि चूंकि टिबट जो है ये चाइना का पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश जो है ये टिबट का पार्ट है, इस तरह से जो अरुणाचल प्रदेश हुआ ये चाइना का पार्ट हो गया। तो ये जो इश्यूज हैं इंडिया और चाइना के बीच चल रहे हैं, तो इसी पे जो है ये जो रिसेंट मीटिंग हुई बिश्केक के अंदर, इस पे बात की गई कि इसको हम बाइलेटरली जो है डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। इससे पहले भी जो है इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी प्रयास किए गए हैं ताकि हमारे जो कुछ डिस्प्यूट्स हैं हमारी हमारे बीच, इनको रिजॉल्व किया जाए। तो
1993 के अंदर जो है चाइना और इंडिया के बीच सबसे पहले एक कार्ड जो है साइन किया गया कि अब जो भी हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं हम उनको जो है रिजॉल्व करेंगे थ्रू डायलॉग। इससे पहले क्या होता था कि जो चाइना के कुछ पर्सनल्स थे वो इंडिया की टेरिटरी में आ जाते थे और इंडियन आर्मी के कुछ पर्सनल्स उनकी टेरिटरी में कभी चले जाते थे, तो इस चीज़ को जो है 1993 के अंदर जो है पहला एकॉर्ड जो है साइन किया गया। फिर उसके बाद 1996 जो है इसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फिर से एक और जो है एक दूसरा एक और साइन किया गया कि इसके अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है लाइंस के आर पार उसको जो है बाइलेटरली जो है दोनों कंट्रीज उसमें कोशिश करें उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है 2013 के अंदर बॉर्डर डिफेंस एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है दो कंट्रीज के बीच में साइन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट जो इंडिया और चाइना के भी जो भी इश्यूज हैं उनको बाइलेटरली जो है रिजॉल्व किया जाएगा और इसमें जो है दोनों कंट्रीज जो है कोशिश करेंगे चीज़ों को आगे लेकर चलने की। बाइलेटरल टाइज इस जो है अपने रिश्ते कंट्रीज के भी जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाने के लिए दोनों जो है प्रयास करेंगे। इसके जो दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 5। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंगली इस एग्रीमेंट के आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंगली जो भी इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट हैं उसको डायलॉग के थ्रू जो है रिजॉल्व किया जाएगा और इंडिया और चाइना के बीच में एक ज्वाइंट कॉम्बैट जो है ज्वाइंट कॉम्बैट रेजिमेंट बनाई जाएगी ताकि इंडिया और इंडियन फोर्सेस और चाइना की फोर्सेस मिलकर जो है बॉर्डर लाइन पे काम करेंगे ताकि कोई भी ड्रग्स की स्मगलिंग ना हो या फिर विल्ड लाइफ वगैरह की कोई भी स्मगलिंग वगैरह ना हो। उसके बाद आर्टिकल 5 जो है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंगली इंडिया और चाइना रिलेशंस को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए जो भी इन दो कंट्रीज के बीच में सेलिब्रेशंस होती हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, जिस तरह इंडिया के अंदर अगर कोई हिंदू फेस्टिवल होता है या क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है या मुस्लिम फेस्टिवल होता है या कोई नेशनल सेरेमनी होती है तो उसके अंदर चाइना को जो है चाइना को इनवाइट किया जाएगा। इस तरह जो है जो ट्रस्ट है दो कंट्रीज के बीच में बढ़ेगा और फर्दर रिलेशंस दो कंट्री के बीच में आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस आर्टिकल। लेट्स मूव अहेड टू अनदर वन। ये आर्टिकल इसरो के रिलेटेड है। रिसेंटली इसरो के चीफ डॉक्टर सिवन ने ये कहा कि हम अपना स्पेस स्टेशन जो है बनाने जा रहे हैं। प्रेजेंटली जो है इस वक्त एक ही स्पेस स्टेशन है और ये स्पेस स्टेशन जो है ये जाक्सा जो जापान की साइंस जो जापान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ईसा जो यूरोपियन यूनियन की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है रॉसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और नासा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CSA जो कनाडा की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पेस स्टेशन जो प्रेजेंट है ये इन सब ने मिलकर बनाया हुआ है। अब चाइना जो है वो अपना स्पेस स्टेशन पे भी काम कर रहा है। उनका स्पेस स्टेशन भी अगर टेक्निकलिटीज उनकी ठीक रहेंगी तो कुछ टाइम के बाद उनका अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च होगा। तो इंडिया जो है इंडिया ने भी जो है कल डॉक्टर सिवन जो इसके हेड हैं उन्होंने कहा कि हम एक अपना स्पेस स्टेशन जो है बनाएंगे। ये स्पेस स्टेशन जो होगा इसका जो वेट है वो अराउंड 20 टन्स होगा। तो ये याद रखने वाली बात है। इस हिसाब से ये जो है चाइना के स्पेस स्टेशन से और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे तो बहुत ही छोटा होगा। इन दोनों से चाइना के स्पेस स्टेशन से और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी छोटा होगा ठीक। और इसको जो है 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाला जाएगा। 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाला जाएगा ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है
ये दोनों के, इसका वेट कितना होगा और इसको ऑर्बिट ऑर्बिट की किस हाइट पे डाला जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो जहाँ पे ये अर्थ है ये 400 किलोमीटर की हाइट पे इसको जो है स्पेस स्टेशन को जो है वहाँ पे डाला जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि इसको सिर्फ 400 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे हम क्यों जो है डालते हैं या रखेंगे इसको, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटली जो कोई भी सैटेलाइट होता है, स्पेशली स्पेस स्टेशन, इसके लिए जो फिजिबल जो स्पेस है वो 700 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 700 किलोमीटर के बीच में है। दैट मीन्स 300 किलोमीटर और 700 किलोमीटर के बीच हम इस स्पेस स्टेशन को रखेंगे। अब ये 700 किलोमीटर के ऊपर अगर हम स्पेस स्टेशन को डालते हैं तो वहाँ पे जो होती है रेडिएशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए जो है हम 700 किलोमीटर के बियॉन्ड स्पेस स्टेशन को नहीं डालते। जो प्रेजेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी 400 किलोमीटर की ही हाइट पे है। 300 किलोमीटर के नीचे हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ड्रैग होता है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से अगर 300 किलोमीटर के अंदर सैटेलाइट होगी या ये स्पेस स्टेशन होगा तो इसको जो अर्थ की ग्रेविटी है वो अपनी तरफ नीचे खींच लाएगी, इसलिए जो है 400 की हाइट पे हम डालेंगे। अब ये भी मन में आपके सवाल उठता होगा कि अगर 400 की हाइट में तो एक फिजिबिलिटी है 300 से 700 किलोमीटर के बीच, तो हम 400 ही पे क्यों डालते हैं, क्यों ना हम इसको 500 किलोमीटर की हाइट पे भी रख सकते हैं या 600 किलोमीटर की हाइट पे भी रख सकते हैं। हाँ, वो भी पॉसिबल है, हम इसको 500 या 600 की किलोमीटर की हाइट पे भी रख सकते हैं, बट जितनी एलिवेशन ज़्यादा होगी उतनी ही कास्ट उसके लिए ज़्यादा होगी, मेंटेनेंस कास्ट भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अगर 400 से 500 किलोमीटर, दैट मीन्स 100 किलोमीटर और इंक्रीज हो गया, तो उसमें हमें उतना ही फ्यूल चाहिए उसको वहाँ पे पहुँचाने के लिए, और उसके बाद जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उतनी ही एक्स्ट्रा जो है बाद में उस पर मेंटेनेंस कास्ट वगैरह सब ज़्यादा आएगा। तो इसलिए जो फिजिबल है, जो बेस्ट रखा जाता है, वो 400 किलोमीटर की हाइट पे ही रखा जाता है। तो एक चीज़ और यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर इसको 400 किलोमीटर के नीचे क्यों नहीं ला रहे, 350 किलोमीटर पे या 320 किलोमीटर पे भी रख सकते हैं, ठीक है, या 310 किलोमीटर पे भी रख सकते हैं। बट वन थिंग शुड बी रिमेम्बर्ड हेयर के जो हमारा प्रेजेंटली जो इस वक्त जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हर साल 2 किलोमीटर वो नीचे आ जाता है, फिर उसको फिर से रिबूस्ट किया जाता है हर साल उसको ऊपर अपनी जगह पे लाने के लिए, ठीक है। तो हर साल ये मिशन हर साल किया जाता है उसको अपनी जगह पे रखने के लिए। तो इसी तरह इसलिए जो है 400 किलोमीटर का इस हिसाब से एक बेटर फिजिबल ऑप्शन हमारे पास बनता है, इसलिए हम इसके ज़्यादा करीबी नहीं रखते और ऊपर जो है कॉस्ट फैक्टर की वजह से नहीं रखते। इससे नीचे की जो वजह है वो इस पे जो है एटमॉस्फेयर ड्रैग नीचे काम करता है, तो नीचे आ जाता है स्पेस स्टेशन, इसलिए इसको 400 किलोमीटर की ही ऊंचाई पे रखा जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस रिसर्च दिस स्पेस स्टेशन। बट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हेयर कि इस स्पेस स्टेशन को कब लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल प्रेजेंटली जो है इसके बारे में जो है इन्होंने एक डिसीजन ही लिया है, ठीक है। तो अब इस जो स्पेस स्टेशन पे जो काम होगा गगनयान मिशन के बाद होगा। दैट मींस पॉसिबिलिटी है कि गगनयान मिशन या 2022 में या उससे पहले जो है होगा, उसके बाद इस मिशन पे काम किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले मिशन पे। इसमें 5 से 7 साल लगेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अराउंड 2030 के अराउंड ये स्पेस स्टेशन हमें अपना जो है ऊपर स्पेस के अंदर देखने को मिलेगा। लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल दैट्स अबाउट मूवमेंट टू स्टॉप वाटर प्राइवेटाइजेशन।
राजस्थान के अंदर जो है वाटर कंजर्वेशनिस्ट और एक्टिविस्ट जो है वाटर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वाटर प्राइवेटाइजेशन को स्टॉप किया जाए। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। पहले सबसे पहले तो वाटर प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब जो वाटर के रिलेटेड जो सर्विसेज है लोगों को वाटर प्रोवाइड करना, ठीक है, वाटर के टैरिफ कलेक्ट करना और लोगों से उसकी फी वगैरह कलेक्ट करना, ये सब चीज़ें जो हैं प्राइवेट कंपनीज के पास चली जाएं तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर जो है ज़्यादा इंटरफेयर करना कम कर दे, ठीक है, इसको हम वाटर प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर वाटर प्राइवेटाइजेशन होगी तो जितना भी वाटर के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको प्राइवेट कंपनी ही रिजॉल्व करेंगी। लोगों को जब एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर चाहिए होगा तो प्राइवेट कंपनीज जो है उसको वाटर प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना होगा तो किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है तो इसको प्राइवेट कंपनीज मैनेज करेंगी। ठीक है, किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री को या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अगर वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो कितनी कास्ट पे उसको दिया जाएगा, ठीक है, या फिर लोगों को जो पानी पीने के लिए मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, उसकी जो पाइप लाइन्स हैं उनको किस तरह मेंटेन किया जाएगा, ये पूरे का पूरा काम जो गवर्नमेंट करती है ये जो है प्राइवेट कंपनियां करें। ठीक है, दैट्स कॉल्ड वाटर प्राइवेटाइजेशन। अब इस वाटर प्राइवेटाइजेशन जो है इसको क्यों किया जाता है, वाटर प्राइवेटाइजेशन के पीछे क्या वजह है कि हमें जरूरत तो पड़ गई है कि वाटर को हम प्राइवेट करें। द बेसिक थिंग इज दैट कि इस वक्त जो वाटर है इंडिया जो है वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट मानी जाती है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी की जो है कमी है। तो इसका जो मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं वो जल्दी काम नहीं करते, लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी वक्त पे उनको मिलता नहीं, ठीक है, और जो वाटर के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नाकाम रहते हैं एफिशिएंसी से वाटर को लोगों तक पहुँचाने में, इसलिए अब ये स्टेप्स लिए जाते हैं कि वाटर को प्राइवेटाइज किया जाए। इसके रिलेटेड इंटरनेशनल वाटर के रिलेटेड हम देखेंगे कुछ डिक्लेरेशन। सबसे पहला जो वाटर के रिलेटेड डिक्लेरेशन साइन हुई दैट इज मार डेल प्लेटा डिक्लेरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन ये 1977 के अंदर ये फर्स्ट जो है डिक्लेरेशन साइन हुई रिगार्डिंग वाटर। इसके अकॉर्डिंगली जितने भी कंट्री के अंदर या जितने भी वर्ल्ड के अंदर लोग रहते हैं irrespective of their caste, their religion, ठीक है, their richness or poorness, पानी जो है सबको मिलना चाहिए, ठीक, तो पानी जो है सबको प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कोई बंदा अमीर है गरीब है, एक रीजन में रहता है दूसरे रीजन में रहता है, ठीक है, किसी भी कास्ट का हो तो कोई भी उसका जेंडर हो पानी सबको मिलना चाहिए। दिस इज इंटरनेशनल डिक्लरेशन, दिस वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लरेशन रिगार्डिंग वाटर। इसके बाद एजेंडा 21 के अंदर भी जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में हेल्ड हुई उसके अकॉर्डिंगली जो एजेंडा 21 के अंदर भी वाटर प्रिवेंशन शामिल है कि लोगों की पॉवर्टी को एलिवेट किया जाए और एनवायरनमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाए और वाटर को जो है और दूसरे एनवायरनमेंटल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व किया जाए। दीज टू आर द इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस रिगार्डिंग वाटर। कहीं पे भी आपको ऐसे या क्वेश्चन लिखना हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिया पे आते हैं और इंडिया की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में और स्पेशली इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आर्टिकल 21 से ये इंटरप्रेट किया कि जो वाटर है वो एक फंडामेंटल राइट है लोगों का और वाटर लोगों को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू 21, ठीक है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत से केसों में ये इंटरप्रिटेशन जो है दी है कि वाटर सबको प्रोवाइड होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को भी बहुत ब्यूटीफुली इंटरप्रेट किया है, दैट्स रिगार्डिंग राइट टू इक्वालिटी। इसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया कि प्रेजेंट जो जनरेशन है वाटर उसको क्वांटिटेटिवली और क्वालिटिवली मिलना चाहिए, लेकिन उसके जो आने वाले इस प्रेजेंट जनरेशन के आने वाले जो बच्चे होंगे फ्यूचर वाले, ठीक है,
उनका भी उतना ही हक बनता है कि उनको भी क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली जो पानी है मिलना चाहिए, उनके जो बच्चे होंगे फ्यूचर जनरेशन जो होंगी उनको भी पानी प्रॉपरली जो है मिलना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स रिगार्डिंग कि पानी को सस्टेनेबल वे में यूज़ किया जाए और जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंगली, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंगली, उनका भी हक बनता है कि उनको भी प्रॉपर जो है पानी मिलना चाहिए। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको इस पे काम करना होगा कि वाटर को एक सस्टेनेबल और इफ़िशेंट वे में यूज़ किया जाए ताकि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफिल किया जाए और आने वाली जो जनरेशन है उसकी भी नीड्स को फुलफिल किया जाए। इसके अकॉर्डिंगली, इसके रिगार्डिंग हमारी कंट्री के अंदर नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 के अंदर आई, जिसमें फर्स्ट टाइम से बात की गई कि वाटर को प्राइवेट किया जाए, ठीक, वाटर प्राइवेटाइजेशन की जाए। इसलिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को चंद लोगों को दिया जाता है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, नेपोटिज्म है, ठीक है, करप्शन है। इसलिए जो है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 ने ये कहा कि प्राइवेट कंपनीज को उसे कंट्रैक्ट किया जाए क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और इफिशेंट वे में चीज़ों को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दिस, यूएन वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट जो है 2006 के अंदर आई और इसने ये बात कही कि वर्ल्ड के अंदर जो है इतना पानी है कि सब लोगों को वो मिल सकता है, ठीक है, अगर उसका प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए तो जितने भी लोग हैं उन सब को जो है पानी मिल सकता है। तो ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर प्राइवेटाइजेशन की जो है बात की जाती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते हैं रेड टेपिज्म होता है और प्रॉपरली वो काम करते नहीं, मेंटेन नहीं करते, एफिशिएंट वे में चीज़ों को यूज़ नहीं करते, तो सभी लोगों तक जो रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते और वेल मेंटेनेंस वाटर की नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट काम करती है कि जो वाटर है इसको प्राइवेट किया जाए। बट इसके अगेंस्ट भी हमें बहुत से आर्टिकल्स हैं जो इसको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज दैट कि हमने देखा, इससे पहले डिस्कस कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 दोनों से जो है वाटर का जो है वाटर को एक सोशल एसेट माना और सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए वाटर, ये उस सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स में इस चीज़ को इंटरप्रेट किया। वहीं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी लोगों को वाटर प्रोवाइड किया जाए और इसको मेंटेन जो है सभी लोगों के लिए किया जाए। ओवर एक्सप्लॉइटेशन वाटर की नहीं होनी चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्टेट पे जो है लाजमी बनती है कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक, DPSP के अकॉर्डिंगली। और अगर हम इसको प्राइवेट करने जा रहे हैं, अगर हम प्राइवेट करेंगे तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कौन रखेगा? अगर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के पास वाटर जब होगा, ठीक, वाटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है लोगों के सामने गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी। हर 5 साल के बाद अगर जो है लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट तो लोग उस गवर्नमेंट को हटा के किसी दूसरे बंदे को ले आएंगे। बट अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर देखा जाए तो जो कंपनीज होगी वो लोगों को डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होगी, कंपनीज डायरेक्टली अकाउंटेबल होगी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको, ठीक है। वहाँ पे भी नेपोटिज्म, करप्शन और जो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम है फर्दर हमें देखने को मिलेगी। एक तो ये पहला आर्गुमेंट जो है इस मू के अगेंस्ट दिया जा रहा है। दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज होती हैं वो चीज़ों को वेल मेंटेन करती हैं, बट वो हमेशा उनका जो फोकस रहता है वो प्रॉफिट पे रहता है, वो हमेशा प्रॉफिट पे ही फोकस करती हैं। जबकि गवर्नमेंट जो होती है, हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट हैं तो गवर्नमेंट का ये स्टेट नहीं रहता है कि हमें प्रॉफिट बनाना, कोई गवर्नमेंट का स्टेट नहीं होता। बट अगर प्राइवेट कंपनीज का देखा जाए तो उनका जो मेन एम होता है किसी भी बिजनेस में वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ पे उनको जो है टैरिफ्स मिलेंगे, जहाँ पे पानी का उनको जो है फी मिलेगी वो उस जगह पे प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर पोर पीपल उनको नहीं वक्त पे प्रोवाइड कर पाएंगे चीज़ें
तो वहां पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। और इसकी वजह से जो है, अगर फॉर एग्जांपल एरिया ए के अंदर वाटर है लेकिन वहां पे पोर रीजन, पोर लोग रहते हैं उस रीजन के अंदर, एरिया बी के अंदर अगर लोग रहते हैं वहां पे अमीर लोग रहते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री है, तो ये प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगे, जहां से वाटर जो है वहां तक एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, और ये वाले जो एरियाज हैं इन लोगों को जो है पानी, जो इनका जो अपना रिसोर्स था, तो इनको नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे फिर वायलेंस होने के चांसेस बढ़ते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ हमें इश्यूज जो हैं देखने को मिलेंगे। इसलिए वाटर को प्राइवेटाइज करना कोई बेटर मूव जो है नहीं है। तो हिस्ट्री से भी जो है आर्गूमेंट देखने को हमें मिलता है कि 2012 के अंदर जो नागपुर की म्यूनसिपल बॉडी थी उसने वाटर को प्राइवेटाइज कर दिया था और एक फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच वाटर कॉरपोरेशन के अंदर 25 साल के लिए ये रख दी थी। वहाँ पे जो है उसके बाद इन 25 सालों के अंदर जो है वहाँ पे टैरिफ जो हैं वो 4 गुना पानी पे प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए, ठीक है। और वहाँ पे जो है एनुअल जो वहाँ पे अमाउंट वो अराउंड 60 करोड़ अमाउंट जो है वहाँ पे वो कलेक्ट करते हैं। वहाँ पे चीज़ों को जो है वो डिलेड वहाँ पे लोगों तक पहुँचती है, ठीक। और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं इसमें। तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अगर फर्दर जो गवर्नमेंट ऐसा स्टैंड लेगी तो उसकी भी जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अगेंस्ट जो आर्गूमेंट है, दैट्स रिपोर्ट ऑफ ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट और पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट और मल्टीनेशनल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, और प्राइम इंटरनेशनल रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये पाया गया है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज ने, 35 कंट्रीज ने वाटर को प्राइवेटाइज किया था, लेकिन वहाँ सब जगह पे हमें फेलियर देखने को मिला। जो वाटर को वहाँ पे जो बॉडीज थी, प्राइवेट बॉडीज थी, उन्होंने जो है वाटर को प्रॉपरली लोगों तक नहीं पहुँचा पाए, ठीक है। वहाँ पे जो है करप्शन देखने को मिली, वहाँ पे डिले जो है, कोई भी एक्शन जो है वाटर के रिकॉर्डिंग ली जाए, लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में डिले एक्शन हमें देखने को मिले। और फिर से इन 35 कंट्री ने जो है वापस ये जो शिफ्ट हो रहे हैं कि वाटर को जो है गवर्नमेंट अपने ही पास रखे, तो रिवर्स शिफ्टिंग इसमें देखने को मिली। तो इसलिए ये जो आर्गूमेंट्स हैं एक्टिविस्ट्स के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा जो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं वाटर प्राइवेटाइजेशन को, वो ये आर्गूमेंट्स हमें देते हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो है फिर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? प्रेजेंटली वे फॉरवर्ड इस वक्त ये है कि एक तो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज के टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। इस ड्यूटी के अकॉर्डिंगली ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वाटर को एक्सेस में यूज ना करें, ओवर एक्सप्लॉइटेशन पहले तो वाटर की ना करें, ठीक है। एक तो ये लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वाटर को प्रॉपर वे के अंदर यूज किया जाए। एंड नंबर सेकेंड थिंग, पूरे वाटर को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए और लोगों को जो है वाटर जो है लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है। अगर हमें इस पे कोई ऐसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल, दैट्स ऑन एडिटोरियल पेज एंड इट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन डाई इन द लाइट टू। ये बात करता है कि जो हमारे सोशल मीडिया है उसने रिसेंटली किस तरह से रिएक्ट किया, उसी पेज जो है रिवॉल्व कर रहा है। जो किसी भी कंट्री का सोशल मीडिया होता है, ठीक है, नेशनल मीडिया होता है, उसका जो बेसिक काम होता है उसको डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। और उसका जो बेसिक काम होता है ताकि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हों उसको रिमोट लोगों तक पहुंचाना, वो लोग जिनको जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, ठीक है, या फिर जो नेशनल पॉलिसीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते उन तक चीज़ों को सिंपल करके पहुंचाना कि जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई है, गवर्नमेंट इस इश्यूज को इस तरह टैकल कर रही है, या फिर
इस तरह से ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जा रही कि आपके ये राइट्स हैं। ये काम होता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आती है तो मीडिया का काम होता है कि उसको लोगों तक पहुंचाना, और वहीं जो मीडिया का ये भी काम होता है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उसको जो है वहां से उठाना और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक लाना। ठीक, जो गवर्नमेंट को रन करते हैं जो लोग, उन तक वो जो लोगों की वोज हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लाना और गवर्नमेंट तक पहुंचाना कि लोगों की फ़लाँ एरिया में यह प्रॉब्लम चल गया, फ़लाँ एरिया में यह प्रॉब्लम चल गया। बट रिसेंटली जो मीडिया है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि जो कंट्री के इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, GDP ग्रोथ नीचे जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, क्रिमिनल राइट्स कंटिन्यूसली हो रहे हैं, करप्शन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है, इन एरियाज जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, मीडिया ने इन चीज़ों को छोड़कर जो है अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जिस तरह फ्लैग रिलेटेड इश्यूज, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, इन इश्यूज पे बात करना शुरू कर दिया है, या ये कम्युनिटी डेंजर में है, ये कम्युनिटी डेंजर में है। तो हालांकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं कि जहाँ पे कुछ 1.3 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन रहती है, जहाँ पे इनकी प्रॉब्लम जो है नेशनल मीडिया को नहीं दिख रही और अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज पे जो है वो बात कर रहे हैं। तो जो मीडिया है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको जो है एक प्रॉपर वे में जो उसका काम है उसको करना चाहिए। जो हमने रिसेंटली देखा मीडिया का रोल, हम पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, ठीक है, ये एक अनएक्सेप्टेबल है डेमोक्रेसी के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। तो इस पे ऐसे हमें इस बार जो है ज़रूर UPSC में क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे की फॉर्म में, ये इशू हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक बड़ा इशू जो है बन चुका है। तो दैट्स ऑल, बाकी इसके अंदर कुछ डेटा फैक्ट्स दिए हुए हैं जिनसे हम सब रोज़मर्रा के से अवेयर होते हैं कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर दो शिप्स को अटैक किया गया, एक जापान का शिप था और दूसरा नॉर्वेजियन शिप था। ठीक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है ये ओमान और ईरान के बीच में पड़ता है। ठीक, रोज इससे वर्ल्ड का 5th ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट होता है, विच इज अराउंड 17.2 मिलियन बैरल्स तेल की रोज इससे जो है पास होती है। सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, कुवैत, इराक, ये जितने भी कंट्रीज हैं, इनका जो भी ऑयल होता है वो इसी स्ट्रेट से जो है पास होता है। कतर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गैस का, LNG का, उसका जो पूरे का पूरा जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी स्ट्रेट से होता है। तो रिसेंटली हमने देखा, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और प्रेजेंटली जो है USA ने अपना एक और जो वहाँ पे फ्लीट है भेज दिया है। ठीक है, 4 पहले उसके ऑलरेडी इस एरिया में थे, लेकिन इस वक्त एक और भी जो है वहाँ पे आ चुका है। तो ये जो अटैक हुई है इस गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ अमान के अंदर, फिलहाल हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि ये किसने किया, बट अगर ये जो है इसकी वजह से ये जो अटैक हुआ इन दो टैंकर्स पे, इसकी वजह से जो प्राइस है ऑयल की वो 4% जो है इनक्रीज हो गई है। अगर फर्दर हमें इस एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इसमें जो है काफ़ी इनक्रीज जो है इसकी वजह से हमें ऑयल प्राइसेस में इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। वी होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट या इशू रहता है तो यू कैन कमेंट अस और राइट अस एट esabak@yahoo.com। अगर बाकी आपको सच में अच्छा लगा हमारा ये एक्सप्लेनेशन तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम अहेड।